दिस इज अनदर स्टोरी टाइम जो मैंने अपने अकेडमी के सर को निकलवाया था अब सीम यहाँ पे हुआ था कि मैं प्री मेडिकल के बाद ये एक और स्टोरी है कि मैंने अपने स्विच uh, कैसे किए थे प्री like, uh, मेडिकल भी किया <laughs> बच्ची टैलेंटेड थी यार क्या हो गया शुरू से तुम लोगों को कदर नहीं है बस मेरी अजीब कदर कर मेरी टैलेंट की अब गैपियर भी थी यार मैं नई नई बहुत पैशनेट थी कि मैंने सर मुझे मैथ्स पढ़ा दी सर मुझे मैथ्स मैथ्स के टीचर्स वैसे वैसे ही वैसी होते हैं पहली क्लास में लड़कियां कम होती हैं अब छह सात लड़कों की क्लास में मैं अकेली लड़की थी वो ना मैंने कहा सर आप प्लीज मुझे मैथ्स करा दें बहुत पैशनेट हो गई थी भाई मैथ्स का तो मैंने पर खच्चा उड़ा देने उड़ाए भी थे चार महीने में मैथ्स की किताबें पढ़ के ओ और मैं खैर भाई वो इतना ठरकी बंदा था इतना बंदा था आई कैन नॉट इवन टेल यू मुझे ना समझ नहीं आती थी क्योंकि मार्क्स इंप्रूवमेंट वालों के साथ भी पढ़ना था और वो लोग अपनी क्लास लेकर चले जाते थे मुझे नहीं पता था कि मैं उस बंदे के पास ढाई से पौने तीन घंटे बैठ रही हूँ मैं कहती थी यार लड़कियां निकल ही नहीं रही निकल ही नहीं रही तो वैसे ना मैं बहुत शाये हूँ किसी से बात करने में लाइक पहली दफा उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा शायद थी लेकिन मैंने कहा नहीं भाई रामीन तुझे बात करनी पड़ेगी अगर तूने अपने आप को बचाना है ना ये से नो डाउट वो पढ़ाता बहुत अच्छा था बहुत अच्छा पढ़ाता था लेकिन भाई ठरक बहुत थी उसमें और मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती अल्लाह नी दीन दुनिया की बातें और भाई तुम बेबी बेबी करके मुझे बुला रहे हो खैर सीन यहां से शुरू होता है पहले दिन तो उसने कुछ भी नहीं कहा था मुझे पहले दिन बहुत खुश आई कि हाँ यार इसने अच्छा पढ़ाया एवरी थिंग इज ये वो में खाना दूसरे दिन वो मार्क्स इंप्रूवमेंट वाले बच्चे वो चले गए मैं अकेली मुझे नहीं पता था क्या है उसने मुझे होमवर्क दिया था कुछ लिटरली मैंने उससे तीन चार दिन पढ़ा था और उसके बाद मैंने उसको कहा था बेटा यू हैव टू गो नाउ तीन चार दिन में उसने अपनी औका दिखा दी मैंने कहा भाई क्या तकलीफ है तुम्हें का, कहा नहीं था मैं उस टाइम बहुत डर जाती ना 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 थी खैर उसने मुझे होमवर्क हुआ था सरक के, आ के थे और पास आए ना और पास क्या पागल है तू मैंने कहा सर आप मेरा होमवर्क चेक कर ले वही चेक कर रहा हूँ अच्छा मैं थोड़ा सा मतलब जब पास आई ना तो मुझे कहता आप का परफ्यूम तो बहुत अच्छा है अबे मेरे अंदर देख रहा है या कॉपी के अंदर देख रहे हैं अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ आपने कौन सा परफ्यूम है अभी तू जब लड़के बैठे हुए तो तुम दीन और दुनिया की बात कर रहे थे जलील इंसान अब तो तुम मेरी दुनिया में आ रहे हो मैंने ना वो सुनी अनसुनी कर दी मैंने कहा कहता आपको पिंक कलर बहुत पसंद है ना अब उस टाइम पता क्या था की मेरा जो अबाया था वो था मैरून कलर का जो मेरा हिजाब था वो था पिंक कलर और मेरे जो जूते थे ना वो थे ऑरेंजिश पता नहीं अजीब से हेरूनो इतना बुरा नहीं लगता था वो सारा कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट चल रहा होता था मैंने कहा सर आप मुझे पढ़ा दें कितना तो पढ़ा ही तो रहा हूं मैं आपको भाई तू तो ये कौन सी ये कौन सी जियोग्राफिया पढ़ा रहा है मुझे ये तो मेरी जियोग्राफिया चल रही है यहाँ पर मैथ्स पढ़ाने को आए मैथ्स कर क्या, मेरी कैलकुलेशन ना कर मेरे ऊपर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अच्छा इसने में रून पेना है पिंक पहन है इसका मतलब है इसको पिंक पसंद कड़ी कैलकुलेशन है मैं तो नहीं सी तू कैलकुलेशन न कर अच्छा उसने मुझे कोई काम दिया काम देकर वही क्लास में छोड़ दिया तो उसका ना ऑफिस होता था, था छोटा सा इतना क्रीपी ऑफिस था माई oh गॉड बिल्कुल पतला सा ना छोटा सा क्यूब टाइप उसका क्यूब भी नहीं रेक्टेंगुलर टाइप उसका ऑफिस था मैंने अपना होमवर्क किया मैं उसको दिखाने गई तो यार मुझे क्या होगा मेरे साथ मैंने मैं एक सोफा छोड़ के बैठी थी तो मुझे कहता था इधर आके बैठे ना मुझे दिखाएं इधर मैं मैंने कहा अच्छा मैंने दिखाना शुरू किया जब मैंने दिखाने लगा ना तो रजिस्टर के ऊपर मेरा हाथ था अब उल्लूगा हाथ ठीक है उसने अपना हाथ इधर रखा और दूसरे हाथ से समझा रहा है